हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द बेसमेंट रूम, जिसे लिखा था ग्राहम ग्रेनी ने। दोस्तों, ग्राहम ग्रेनी ने 21 स्टोरीज लिखी 1954 में। इन 21 स्टोरियों में से एक स्टोरी है द बेसमेंट रूम। इसमें एक इनोसेंट से बच्चे की कहानी है जिसके माता पिता बाहर चले जाते हैं। उसके बाद उस बच्चे के साथ क्या होता है, ये हम इस कहानी में देखेंगे। पहले हम ग्राहम ग्रेनी के बारे में जान लेते हैं। ग्राहम ग्रेनी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1904 यूके में, और इनकी मृत्यु हो गई 3 अप्रैल 1991 स्विट्जरलैंड। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी ऐसी नॉवेल्स लिखी जिसमें मूवीज भी बनी, जो हैं द थर्ड मैन, द कॉमेडियन, द फॉलन आइडल, डाई हार्ट विद वेजन, और 21 शॉर्ट स्टोरियां लिखी जिसमें उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। और वो शॉर्ट स्टोरियां हैं द डिस्ट्रक्ट, अक्रॉस द एंड ऑफ द पार्ट, और द इनविजिबल जेंटलमैन। उन्होंने और भी बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी लिखे हैं, जिसमें से आज हम एक पढ़ेंगे द बेसमेंट रूम। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम द बेसमेंट रूम। कहानी की शुरुआत होती है मास्टर फ्लिप लेंस नाम के एक लड़के से, जो कि 7 साल का है। उसके पेरेंट उसे छोड़कर हॉलीडे में जाते हैं। उसे एक फैमिली के हवाले कर जाते हैं जो कि है बटलर फैमिली। उसके लिए एक हाउसकीपर भी रखी जाती है और एक नर्स भी। अब दोस्तों, होता यह है कि फ्लिप्स जो 7 साल का छोटा बच्चा है, उसे अपने पेरेंट्स की याद आने लगती है। अब ये जो बटलर फैमिली होती है, जिसमें मिस्टर बेनिस और मिसेस बेनिस होते हैं, मिस्टर बेनिस क्या करते हैं, उस बच्चे को अपना एडवेंचर सुनाने लगते हैं, अपनी पुरानी कहानी सुनाने लगते हैं कि जब वो अफ्रीका में थे तब उनके साथ क्या क्या हुआ, ताकि उसका मन बहल सके। अब ये जो फ्लिप्स होता है ना दोस्तों, इसे मिस्टर बेनिस से डर नहीं लगता, लेकिन मिसेस बेनिस से डर लगता है, क्योंकि वो हर बात में उसे टोकती रहती है। फ्लिप्स को चाहिए था कि वो फ्री रह सके, क्योंकि अभी वो पहली बार अपने पेरेंट कंट्रोल से बाहर आया है। अब वो फ्रीडम की तरह जीना चाहता है अपने लाइफ को। अब ये जो फ्लिप्स होता है, उसे मन करता है कि वो बेसमेंट रूम में जाए, यानी तहखाने में। तहखाना का जो दरवाजा होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और मिसेस बेनिस जो होती है वो फ्लिप्स को रोकती रहती है कि तुम वहाँ नहीं जाओगे। तो इस वजह से जो फिलिप्स होता है वो मिसेस बेनिस से नफरत करता है, और मिस्टर बेनिस जो होते हैं उनके सामने वो अपने आप को एडल्ट यानी बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, ताकि वह उसे उस तहखाने यानी बेसमेंट रूम में जाने दे। कुछ दिन बाद फिलिप्स को बाहर घुमाने ले जाया जाता है। मिस्टर बेनिस और मिसेस बेनिस उसके साथ रहते हैं। मिस्टर बेनिस उसे कहते हैं तुम जाओ घूमो, पर मिसेस बेनिस उसे रोक देती और कहती तुम यहीं रुको, मेरे साथ रहोगे। यह सुनकर वो जो 7 साल का फिलिप्स होता है, वो सोचता है कि यह औरत एक इविल है और ये मुझे जीने नहीं देना चाहती, मुझे हर चीज में टोकती है, रोकती है, ये बहुत बुरी औरत है। तभी फिलिप्स को एक टी शॉप दिखता है। वहाँ पे कुछ खाने की चीज़ें रहती हैं, जो कि फिलिप्स दौड़कर बोलता है मिस्टर बेनिस को कि वो मुझे खरीद दे। मिस्टर बेनिस उसे खरीदने लगते हैं। तभी मिसेस बेनिस कहती है कि तुम बाहर का कुछ मत खाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो इसके जिम्मेदार हम होंगे। यह सुनकर फिलिप्स और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, और वहाँ से दौड़कर भागने लगता है। तभी मिस्टर बेनिस उसे पकड़ते हैं और वो लोग घर आ जाते हैं। ग्रेनी इसमें ये बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि वो जो फिलिप्स है, वो अपने बेसमेंट यानी वो जो बेसमेंट रूम है यानी उसके ख्वाहिशों का जो शहर है, उसके बीच में एक डोर है जो कि ग्रीन कलर का है, और वो अपने ख्वाहिशों के डोर को पार करना चाहता है, और वो चाहता है कि वो कुछ भी करे, पर उसे मिसेस बेनिस रोक रही है, और इसलिए वो अपने मन में ही उनकी छवि बना देता है कि वह बहुत बुरी है, क्योंकि वह उसे रोक रही है। वह उसे ना सिटी में घूमने देती है, ना ही किधर जाने देती है, बस उसे रोकती है, जिससे वह अपने बेसमेंट की जो लाइन है उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और जो उसे रोक रही है उसे वो इविल समझने लगता है। वो सोचता है कि यह औरत बहुत दुष्ट है, बहुत बुरी है,
और मुझे वहाँ पे जाने से ये रोक रही है। और उसे वापस घर बोलने वाली भी वही थी। मिस्टर बैनर्स उसी के इशारे में उसे पकड़कर वापस घर ले आते हैं, इसलिए वह उन्हें बुरी समझता है। यहाँ पे ग्रेनी हमको ये समझाना चाह रहे हैं कि जब हम बचपन में रहते हैं तब हमें जो सही लगता है वो हम चाहते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और हम जो उन्हें सही समझते हैं उसे बड़े लोग गलत समझते हैं, और हमें वो काम करने से रोकते हैं क्योंकि हम उससे मुसीबत में पड़ जाएंगे। पर जो हमें रोकता है उसे ही हम गलत समझते हैं और अपना दुश्मन मान बैठते हैं, और हम जैसा लाइफ को स्ट्रेट लाइन समझते हैं कि जो हम चाहेंगे वो होगा, वो नहीं होता। और हमें जो ये समझाता है कि लाइफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, हम उसे ही गलत बताते हैं। ये जो स्टोरी थी दोस्तों, इसमें ग्राहम ग्रेनी को वाशिंगटन डीसी में लिटरेरी कम्युनिटी के सामने उन्हें सम्मानित किया जाता है, और इसे एक मेलोड्रामा के नाम से जाना जाता है, और ग्राहम ग्रेनी को एक लिटरेरी अवार्ड भी मिलता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।